जी क्या करे, ये गुलाब जामुन का शीरा जो है चाशनी बच गया है, अब इनका क्या करें। चलिए इसी से जो है एक रेसिपी बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए चाशनी से क्या बनाएंगे आज हम लोग, चाशनी से आज हम लोग मालपुआ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और आधी कटोरी सूजी लिया है, इन्हें पहले हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अगर बारीक वाली सूजी लेने की कोशिश कीजिएगा, अगर बाई चांस ये बात नहीं मिलता है तो आप लोग ऐसा करें उस सूजी को एक बार मिक्सी ग्राइंडर में चला ले, बिल्कुल आटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा दरदरा जो है वो पिस जाएगा तो मज़ेदार मालपुआ बनेगा जी। चलिए अब मैं ये दूध डाल रही, ये दूध पूरी तरह से मलाई वाले दूध है, कोशिश करें मलाई वाले दूध लेने की। और मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इन्हें मिक्स करूँगी, एक संग दूध बिल्कुल ना डालें, उससे आपकी मैदा सूजी जो है गुठलियाँ पकड़ सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल डाल के इन्हें एक मालपुआ के रूप में लेकर आते हैं। और देखिए आप लोग, इसमें जो है दूध पानी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए जो है अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें चाशनी, एक कलछुल चाशनी डालेंगे। आप लोग देख लीजिए, जो दाल वाली कलछुल नहीं होती है वो वाली कलछुल है ये, और बस एक चम्मच, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप चाशनी से नहीं कर रहे, चीनी से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दें। चलिए इन्हें मिला लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, बस मुझे इसी तरह ही चाहिए। ये हमारे घर का जो है ना, मेरा डॉगी जो कि मेरे, हमने प्यार से मेरी बिटिया ने नाम रखा है, उसका नाम रखा है डुगू। जब भी हम वीडियो बनाएंगे तब उसको भौंकना है। चलिए और अब इसमें मैं मेवा की जगह मैं इसमें टूटी फूटी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा सौंफ पड़ेगा, ज़रूर डालें, सौंफ के बिना मालपुआ उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है, ज़रूर डालें। और मैं इलायची के जगह मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी, ये देखिए मैं इसमें लगभग 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा मत डालें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस समय मैं इसको मिलाकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट में रखेंगे, और उसके बाद मालपुआ बनाएंगे जी। देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, तो ये मेरा गरम भी हो चुका है। चलिए अब एक एक करके डाल देते हैं। दो मिनट के लिए होने देने, धीमे धीमे सब काम करें, जल्दबाजी मत करें। और मेरा गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो पे है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ, आपका भी बढ़िया बन के तैयार होगा। अब मैंने फ्लेम को बढ़ाया है, आप लोग तेल का टेम्परेचर आप लोग समझ के करें कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। अब मैंने इन्हें पलटा है, दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसको जो है चाशनी में डालूंगी। आप लोग देख लीजिए ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं इन्हें डायरेक्टली चाशनी में डालूंगी। चाशनी मेरा रूम टेम्परेचर में है, ऐसा नहीं कि फ्रिज से निकाल के मैं तुरंत कर रही हूँ। और बस इसी तरह मैं सारे मालपुए बनाऊंगी, इसको जो है थोड़ा सा डिप कर दें, ज़्यादा देर के लिए ना रखें, कम बस 1 से 1.5 मिनट के लिए रखें। बस इसमें जो है चाशनी में आप 1 से 1.5 मिनट के लिए रखें, उससे ज़्यादा मत रखें, और उसके बाद चाशनी से निकाल लें। चलिए बाकी के भी मैं इसी तरह करूँगी। ये रहा जी आप लोग के लिए गर्मा गर्म मालपुए, जो कि बची हुई चाशनी से बना है।
एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग का भी मुश्किल मैं दूर कर दूँगी, जितना चाशनी है कुछ ना कुछ रेसिपी डालती रहूँगी। खैर मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है, पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब पूरी तरह से टोटल फ्री है, इसलिए प्लीज़ डरिएगा नहीं, अपने मोबाइल से कोई पैसा नहीं कटेगा। मैं अब फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ, आज के लिए बाय।